नमस्कार मित्रों, धर्मार्थ मेला के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे जीवन में आने वाले 30 शुभ संकेतों के बारे में, जो हमें अच्छा समय आने से पहले ही दिख जाते हैं या जिनका हमें पता चल जाता है या एहसास होने लग जाता है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में जीवन में यह घटनाएं होती हैं। समझ लीजिए कि आपके जीवन में आने वाले हैं अच्छे दिन। किस्मत खुलने की शुभ संकेत अक्सर अच्छे दिन आने से पहले हमारे जीवन में घटित होते हैं। अगर आपको भी सुबह सुबह या फिर जीवन में कुछ ऐसे बदलाव दिखे, तो समझ लीजिए कि किस्मत का दरवाजा बस खुलने ही वाला है। हर कोई चाहता है उसके जीवन में सुख समृद्धि रहे, बुरे दिन कभी ना आए, लेकिन यह सब नहीं होता है। हालांकि बुरे दिन बिताना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इन दिनों में ही ऐसे संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं, जिनसे आसानी से पता लगाया जा सकता है कि अब आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। इन्हीं संकेतों के बाद ज्योतिष में बताया गया है कि लोग हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। समय किसी के लिए भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। कभी अच्छा समय है तो कभी बुरा समय। अच्छे दिन तो खुशी से बीत जाते हैं, लेकिन ज्यादा परेशानी बुरे समय में होती है। तो आज हम आपको बताते हैं कि जब आपका अच्छा समय शुरू होने वाला होता है, तो इसके संकेत पहले से ही मिलने लगते हैं। अच्छे दिन आने से पहले मिलने वाले 5 संकेत। जब आपका समय अच्छा नहीं चल रहा होता है, उसके भी कुछ संकेत मिलते हैं। आपके घर में अजीब खामोशी रहेगी, और यदि आप गाय को भी कुछ खिलाते हैं तो वह भी आपके हाथ से कुछ नहीं खाएंगी। ना तो घर में कोई रौनक दिखाई देगी और ना ही किसी रिश्तेदार का आवागम सामान्य दिनों की तरह होगा। कहा जाता है कि हमारी जिंदगी में जब भी अच्छा या बुरा समय आने वाला होता है, तो प्रकृति हमें संकेत जरूर देती है, लेकिन कभी कभी इन संकेतों को हम समझ नहीं पाते, क्योंकि उन चीजों के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं होती है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे ही अच्छे समय के संकेतों के बारे में बताएंगे, जिन्हें जानने के बाद आपको अच्छा समय आने की दस्तक समझ में आने लगेगी। तो आइए जानते हैं क्या है वह संकेत। अक्सर अच्छे दिन आने से पहले रोज शुभ घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं। अगर आपको भी सुबह सुबह या फिर जीवन में अचानक कुछ ऐसे बदलाव देखने को मिले, तो समझ लीजिए कि सौभाग्य का दरवाजा बस खुलने ही वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल धर्मार्थ मेला को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और साथ में बेल आइकन दबा दें। पहला संकेत, सफेद गाय। यदि गौ माता अगर भवन के द्वार पर आकर जोर जोर से रंभाए, तो निश्चय ही घर के सुख में वृद्धि होती है। ऐसे में गाय के घर आने पर उसे रोटी जरूर खिलाएं। गाय का खेत या गार्डन में आकर चढ़ना लक्ष्मी प्राप्ति का सूचक होता है। कोई गाय यदि आपके घर के सामने अचानक आकर रुक जाए, तो समझ लीजिए आपका अच्छा समय आने वाला है। गाय को पहली रोटी या जो कुछ भी हो वह खाने के लिए जरूर दें। ऐसा करने से लाभ मिलेगा। अगला संकेत है, मधुर ध्वनियों का सुनाई पड़ना। यदि सुबह अगर आपको मंदिर से घंटियों संध्या भजन कीर्तन की ध्वनि सुनाई दे, तो वह भी अच्छा शगुन होता है। अगला संकेत है, नव वर वधु का दिखाई देना। यदि मार्ग में अगर 16 सिंगार की हुई कोई नई नवेली दुल्हन नजर आ जाए, तो इसे भी एक अच्छा चिन्ह मानिए। अगला संकेत है, श्रीफल। जब भी कभी आपको सुबह उठते ही श्रीफल यानी नारियल के दर्शन हो, तो समझ लीजिए कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। अगला संकेत है, पक्षी का आकर आपके ऊपर बैठना। किसी पक्षी का आकर आपके ऊपर बैठना किस्मत वाले को नसीब होता है, ऐसा मानकर चलिए। अगला संकेत है, घूमने के दौरान शाम के समय में कुत्ते या बंदर का दिखना। जब कभी ट्रैवल करते समय आपको दाईं तरफ सांड, कुत्ता, बंदर दिखे, तो समझे कि आपके पास धन के आने का संकेत दे रहे हैं।
अगला संकेत है बारिश के दौरान सूरज का दिखाई देना। बारिश के बीच आसमान में चमकते हुए सूरज का दिखाई देना शीघ्र ही मालामाल होने की निशानी है। अगला संकेत है हरियाली। खिड़की से सुंदर प्रकृति के नज़ारों को देखना एक शुभ बात होती है, साथ में अगर नज़दीक में जलस्य भी हो तो क्या कहने की बात, फिर तो और भी सोने पर सुहागा। अगला संकेत है कोयल या सोन चिड़िया का चहचहाना। अगर घर की छत या मुंडेर पर अगर कोई कोयल या सोन चिड़िया चर्चाएं तो पक्का आर्थिक वृद्धि होती है। अगला संकेत है दही या दूध। जब सुबह सवेरे उठते ही सर्वप्रथम दही या दूध का दिखाई दे जाना भी अच्छी तकदीर का इशारा होता है। अगला संकेत है सुनहरा सांप। यदि रात में सोते समय अगर सपने में सफेद या सुनहरा सांप नजर आए तो यह भी किस्मत खुलने का इशारा होता है। अगला संकेत है चमगादड़। अगर चमगादड़ आपके घर में अपना बसेरा बना ले तो यह भी शुभ संकेत में शुमार किया जाता है। अगला संकेत है कछुआ। कछुए सौभाग्य का प्रतीक होता है, इसका दिखाई दे जाना कोई न कोई अच्छी खबर जरूर से लाता है। अगला संकेत है टूटते तारे। टूटते तारे से मांगी हुई एक बात 36 दिन में सच हो जाया करती है, तो कुछ अच्छा मांगे। अगला संकेत है घर के द्वार पर हाथी का अपनी सूची करना। जिस घर के द्वार पर हाथी अपनी सूची करे वहां उन्नति वृद्धि तथा मंगल होने की सूचना मिलती है। अगला संकेत है गलती से उल्टे कपड़े पहन लेना। कभी कभी हम जल्दबाजी में कपड़े पहन लिया करते हैं, अगर दोबारा आपके साथ हो तो ऐसा समझे कि सुख समृद्धि जल्द ही आपका दरवाजा खटखटाने वाली है। अगला संकेत है अगर आप किसी जरूरी यात्रा पर जाने वाले हैं और घर से निकलते ही आपको याद आएगी आप कुछ सामान भूल रहे हैं तो यह बुरा समय टलने का संकेत माना जाता है। अगला संकेत है रास्ते में शुभ चीजों का मिलना। अगर रास्ते में आपको कहीं कोई सिक्का, घोड़े की नाल या चार पत्तियों वाली घास मिल जाए तो उसे बस वही संभाल कर रख ले, यह आपके भाग्य को चमका सकते हैं। अगला संकेत है कुत्ते का घर पर आकर रहना। अगर कोई कुत्ता आपके घर पर रहने के लिए आ जाए तो यह रुपए पैसे आने का संकेत होता है। अगला संकेत है गन्ना। सवेरे सवेरे रास्ते में गन्ने का दिखाई देना भी कहीं से पैसे मिलने का एक शुभ लक्षण होता है। अगला संकेत है जब घर की सीमा में मोर का दिखाई पड़ना और उसका पंख फैलाना शुभ अवसर आने की घोषणा करता है। अगला संकेत है मोती। समुद्र के किनारे मोती मिलना भी भगवान को ही नसीब होता है। अगला संकेत है झींगुर का शोर सुनाई देना, इसका दिखाई दे जाना बुरे दिनों के समाप्त होने की पूर्व सूचना होती है। अगला संकेत है हाथ में खुजली होना। हाथ में खुजली होना शीघ्र आने वाले धन की ओर निर्दिष्ट करता है। अगला संकेत है गौरैया। जब आपका अच्छा समय आने वाला होता है तो आपके घर आंगन में गौरैया की चहचहाहट सुनाई देने लगेगी। आपके घर में गौरी आए उसे घर में जो भी खाना है उसे डालें। जब भी आपका अच्छा समय आने वाला होता है तो आपके घर के सामने आग का पौधा उगते हुए नजर आएगा, यह भी बहुत शुभ होता है। अगला संकेत है सफेद कबूतर। यदि आपके घर में सफेद कबूतर आकर बैठे तो समझ जाएं कि आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। अगला संकेत है तितली। अच्छा समय आने से पहले आपको विभिन्न रंगों की तितलियां देखने को मिल जाएंगे। अगला संकेत है अगर आप किसी जरूरी काम के लिए घर से निकल रहे हो और किसी व्यक्ति के हाथ में जल से भरा हुआ पात्र आपको दिख जाए तो यह क्षमता का संकेत होता है। शुभ संकेतों में से अगर कोई एक भी आपकी सुबह या जीवन में प्रवेश कर रहे हैं तो मान कर चलिए कि किस्मत बस खुलने ही वाली है। अगर हमारे द्वारा दिए गए जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल धर्मार्थ मेला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले। तब तक के लिए जय जय श्री राम।